अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ रोहू फिश की रेसिपी, जिसमें मैंने ये ले लिया लहसुन और एक बड़े साइज का प्याज, अगर छोटा हो तो दो ले सकते हैं। मैंने बड़ा लिया तो एक लिया है, और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है और एक नींबू। तो चलिए मसाले को ब्लेंडर में कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैंने लिया है हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको इसमें ऐड करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये सरसों का पाउडर है जो मैं पीस के रखी हूँ, वो मैंने अभी ऐड किया है। अब फिश को हम मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक, और जो मैंने मसाले पेस्ट बना के रखे थे उसमें से 2 चम्मच हम इस फिश में ऐड कर देंगे, पिसी हुई मसाले को इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। पिसे हुए मसाले को ऐड करके जब हम इसको फ्राई करते हैं बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए फिश को मैरिनेट कर लेते हैं अपने हाथों से, और फिश को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे ताकि मसाला अंदर तक पहुंच जाए। एक तरफ गैस पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें फिश को डालकर फ्राई कर लेंगे। एक एक करके फिश को डालेंगे, डालकर अच्छे से उसको फ्राई कर लेते हैं। एक साथ ज़्यादा फिश को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएगा। ये देखिए अच्छे से मेरी फिश फ्राई हो रही है। इसको चम्मच की सहायता से उलट कर दोनों साइड में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर एक चम्मच से ना पलटे तो आप 2 चम्मच का सहारा ले सकते हैं। ये देखिए दोबारा मैं तेल में फिश को डाल रही हूँ। ऐसे करके सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। लास्ट में ये पूंछ बचा है और सिर, इसको लास्ट में फ्राई करेंगे। जो थोड़े से मसाले वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। पूंछ को और सिर को अच्छी तरह से दोनों साइड पलट कर फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है ये फिश, और देखिए पूरी फिश फ्राई हो चुकी है। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। अब चलिए दूसरी तरफ मसाले को तैयार कर लेते हैं। ये जो मैंने तेल फ्राई किया था वो मैंने इस पतीले में ऐड कर दिया है, फ्राई किया हुआ तेल था।
तेल थोड़ा मुझे कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा और तेल हम इसमें ऐड करेंगे। फिर तेल में आधा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और अच्छी तरह से उसको तड़कने देंगे। तड़कने के बाद उसमें मसाले जो मैंने पीस के रखा था उसमें ऐड कर देंगे, और जो मिक्सी ग्राइंडर में बचा हुआ मसाला है उसको भी अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे। और मीडियम आंच पर इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे, क्योंकि मछली के मसाले को अच्छे से भूनने पर ही मीडियम आंच पर उसका स्वाद अच्छा आता है। एक चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है, और फ्राई करने के टाइम भी मैंने उसमें नमक डाला है मछली में, तो इसलिए यहाँ नमक हिसाब से ही डालेंगे। ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, पूरी तरह से सूख चुका है, इसके दाने दाने अलग हो गए हैं। तब इसमें अपने पानी को ऐड कर देंगे, जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर रोटी से खाना है तो कम पानी को ऐड करेंगे, चावल से खाना है थोड़ा उसका ग्रेवी को पतला करेंगे। मछली की ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है। मैं यहाँ अपने हिसाब से पानी डाली हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार पानी डाल दीजिए। ये मैंने नींबू जो रखा था उसको मैं ऐड कर रही हूँ अपने ग्रेवी में। एक नींबू लिया था मैंने, ये पूरे एक नींबू को मैंने ग्रेवी में अच्छे से ऐड कर दिया है। अब इसको बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसमें फिश को ऐड करेंगे। ये बॉयल आ चुका है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसमें अपने सारे फिश को एक एक करके ऐड कर रही हूँ। एक साथ पूरे फिश को ना डालें वरना ये टूट जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, एक एक करके फिश को ऐड कीजिए ग्रेवी में। ग्रेवी में मैं ऐड कर चुकी हूँ, और ये धनिया पत्ती डालकर मैं उसको धनिया पत्ती ऊपर से डाल दी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी फिश कढ़ी बनकर तैयार है, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।